हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सबका स्वागत करता हूँ WRNA के फोर्थ एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए अपने WRNA के एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाइए और फिर बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहली खबर है रिलेटेड टू ट्रैकमैन। यानी ट्रैकमैन सबसे बड़ा हेल्पर माना जाता है ड्राइवर का, जो इंजन को ड्राइव करता है। तो यहाँ पर ट्रैकमैन मिस्टर बलबंत जी ने कुछ ऐसा काम किया है मालदा जोन के अंदर कि उन्हें अवार्ड दिया गया ₹5,000 का और एसी में ट्रैवल करने का, पूरी फैमिली को एसी में ट्रैवल करने का एक फ्री पास दिया गया और सर्टिफिकेट भी दिया गया है। अब उन्होंने किया क्या है, जो एक नेचुरल वर्क होता है ट्रैकमैन का कि सुबह अपने ड्यूटी पे जाना और फिर ट्रैक्स को चेक करके वापस आ जाना। तो जब वो रिटर्न जर्नी पे आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो अपना काम पूरा करके वो रिटर्न आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ब्रिज नंबर 178 यानी बिटवीन थंडाला और बजरंगगर्स के बीच में एक ब्रिज है। तो उन्होंने देखा कि ब्रिज के जो वाल्स हैं वो आपस में कोलैप्स हो रखे हैं, यानी आपस में टकरा गए हैं और कभी भी ब्रिज गिर सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को आगे इन्फॉर्म किया कि आप कोई भी ट्रेन मत भेजिए क्योंकि यहाँ पर ब्रिज कोलैप्स होने की चांस में है। अगर ट्रेन जाती है तो इंजन के अंदर इतना वाइब्रेशन होता है कि अगर कोई ब्रिज कमज़ोर है तो वो गिर जाए। तो इसीलिए उन्होंने इन्फॉर्म किया और इससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना बच गई होते होते रेलवेज़ की। इसीलिए ट्रैकमैन्स बहुत ज़रूरी होते हैं रेलवेज़ के अंदर और शायद इसीलिए ट्रैक्समैन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है रेलवे। एक अच्छा स्टेप रेलवे ने उठाया कि ट्रैकमैन्स को रखा और आज उनको उसका फ़ायदा हो रहा है। और मेरे ख्याल से मिस्टर बलवंत ने जो किया वो काफ़ी अच्छा काम उन्होंने भी किया। अब फ्रेंड्स चलती हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर रिलेटेड टू आप लोगों के लिए रिलेटेड है। यानी अगर आप लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप अपना आईडी प्रूफ लेना भूल गए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप दोबारा घर में जाएं या घर से किसी से आईडी प्रूफ मंगाएं। अब एक डिजी लॉकर करके वेबसाइट है जिसमें आप लोग अपना आधार लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटिंग आईडी कार्ड ये सब डिजी लॉकर नाम के एक वेबसाइट में जितने भी इंडिया के अंदर हैं जिनका भी आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया गया है। तो अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर TT को लगता है कि आपसे आईडी प्रूफ मांगना चाहिए तो वो आपसे आईडी प्रूफ नहीं मांगेगा। उसके पास होगी मोबाइल में डिजी लॉकर नाम का ऐप जिसमें वो जाएगा, आपका नाम सर्च करेगा और आपका आईडी प्रूफ खुद देख लेगा। अच्छी बात है, आप लोग को थोड़ा अब कम मेहनत करनी पड़ेगी, रेलवेज आप लोग के जगह मेहनत कर रहा है। फ्रेंड्स थर्ड खबर है रेलवे से रिलेटेड। मैंने अपने पिछले WRNA के एपिसोड में आप लोगों को एक फैक्ट बताया था AC कोच का कि जो आप लोगों को चादर, तकिया, कंबल तीनों चीज़ जो मिलते थे या और फेस टावल, वो 2 महीने में सिर्फ एक बार धुला जाता था। तो रेलवेज ने उसके लिए एक स्टेप उठाया कि 2 महीने में एक बार धुला जाता था तो अब हम 1 महीने में 2 बार धुलेंगे। पर अब उतना भी काफ़ी नहीं लगा रेलवे को, तो रेलवे ने कहा कि अब हम जो फेस टावल देते थे वो अब आपको नहीं मिलेगा AC कोचेज में। यानी फेस टावल की जगह आपको दिया जाएगा एक चीप रेट की नैपकिन्स, यूज़ एंड थ्रो टाइप का रेलवे प्लान कर रहा है। इससे क्या होगा, रेलवे का बजट भी बचेगा। फेस टावल थोड़ी महंगी होती थी, नैपकिन्स देगा वो थोड़ी सस्ती होंगी और आपके लिए क्लीननेस भी मेंटेन रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि क्लीननेस मेंटेन्ड है। अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से एक और इसके साथ एक और स्टेप अगर उठा ले कि 1 महीने में 2 बार धुल रहा है, आप 1 हफ्ते में 1 बार धुलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी 1 महीने में 4 बार। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो कमेंट करिए कि यस दिस इज़ राइट, या डेली धुलना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं फ्रेश मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है AC कोच में, पर नहीं जानते थे कि फ्रेश मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, अभी तक कुछ दूसरा प्रोवाइड किया जा रहा था। अब फ्रेंड्स अगली बात ये है कि अगली नेक्स्ट खबर ये है कि जो IRCTC है यानी इंडियन रेलवेज़ की एक वेबसाइट है, तो इंडियन रेलवेज़ अब प्रमोट करना चाह रहा है अपनी नेशनल लैंग्वेज को। हमारे PM मोदी ने भी बहुत कोशिश की अपने नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी को आगे बढ़ाने की। डिफरेंट कंट्रीज़ में गए तो वहाँ पर उन्होंने स्पीच भी हिंदी में दिया, इंग्लिश को छोड़कर, ताकि अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। यहाँ पर रेलवेज़ भी मोदी जी के साथ गया है, यानी रेलवेज़ ने
अभी तक जो IRCTC की वेबसाइट थी उसमें आप वेबसाइट ओपन करते ही आपसे पूछता था इंग्लिश या फिर हिंदी। रेलवे ने डिसाइड किया है कि अब वो लॉन्च ऐसा नहीं करेगा, अब वो लॉन्च करेगा एक इंग्लिश वेबसाइट एक हिंदी वेबसाइट। जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं रेलवे उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप इंग्लिश वेबसाइट इस्तेमाल करिए। अगर आप लोग हिंदी जानते हैं तो आपके लिए एक अलग से ही पूरी हिंदी वेबसाइट आएगी रेलवे की और आप वहाँ पर अपना टिकट बुक कर सकते हैं और बाकी जो भी काम है रिलेटेड टू कैटरिंग और जो भी काम है IRCTC वेबसाइट से आप वो कर सकते हैं। अच्छी बात है, अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए और रेलवेज का एक ही अच्छा स्टेप लगा मुझे कि अपनी नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं यानी हिंदी को। और फ्रेंड्स बेसिकली देखा जाए तो अगर कोई भी आदमी हो अगर इंग्लिश नहीं भी जानता है फिर भी वो हिंदी लैंग्वेज तो जानता ही जानता है अगर इंग्लिश नहीं भी जानता है। हाँ मानता हूँ थोड़ा साउथ साइड में प्रॉब्लम है पर वहाँ पर भी हिंदी एटलीस्ट समझ लेते हैं, ये नहीं कि हिंदी समझ ही नहीं पाते। फ्रेंड्स अगली खबर है ये कि मैंने आपसे अपने पिछले एपिसोड में एक बात शेयर की थी कि आप लोग को IRCTC की वेबसाइट में लाइव स्ट्रीम मिलेगा पेंट्री कार्ट का, यानी पेंट्री कार्ट में किस तरह खाना बन रहा है वो सब आप लोग देख सकते हैं IRCTC की वेबसाइट में। ऐसा कुछ करने वाला था रेलवे, प्लानिंग में था, अब रेलवेज ने ऐसा कुछ कर लिया है। कुछ कुछ ट्रेनों में रेलवेज ने पेंट्री कार्ट के डब्बों में हाईटेक कैमरास लगाए हैं। अब ये हाईटेक कैमरा करेंगे क्या, ये लोग सीधा जो हो रहा है लाइव ऑन IRCTC पे डिस्प्ले कर देंगे और हाइजीनिक लेवल कितना है वो आपको उसके वीडियो के साथ में ही डिस्प्ले करेंगे कि हाइजीनिक लेवल कितना है। यानी आप लोग ट्रेन में ही बैठे रहिए, मोबाइल चालू करिए, IRCTC की वेबसाइट में जाइए, देखिए कि खाना किस तरह बन रहा है पेंट्री कार्ट में और लाइव आप देख सकते हैं और साथ में हाइजीन लेवल क्या है, हाइजीनिक लेवल क्या है वो भी आपको डिस्प्ले करेगा ये कैमरा ऑन वेबसाइट। अच्छी बात है, IRCTC का ऐप ही डाउनलोड कर दीजिए, क्यों बार बार गूगल से वेबसाइट में जाना चाहते हैं, ऐप ही डाउनलोड कर दीजिए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स रेलवे कर तो बहुत कुछ रहा है आप लोगों को खुश रखने के लिए, शायद रेलवे को आपका भी कुछ थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये सब इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिल जाए, और कमेंट करिए कि अगर कोई मिस्टेक्स है तो उसको सुधार कर आपके लिए और भी बेस्ट क्वालिटीज़ वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभम शुक्ला साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ इंडियन रेलवे। थैंक यू फ्रेंड्स।